दिल्ली में आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, ईडी की रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास चंदे के रूप में आया है। इन सारे आरोपियों का और इस सारे मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है, जो ऐसी 41 कंपनियां हैं जिन पर आईटी सीबीआई और ईडी की रेड हुई और जिन्होंने 2741 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। बीजेपी इसे बांटने के लिए जनहित में लगाने के लिए कोई कानून नहीं चाहिए। मैं बीजेपी से आग्रह करूंगी कि वे आज ये घोषणा करें कि वे इस 2741 करोड़ रुपए को प्रचार में खर्च नहीं करेंगे। मैं फिर से प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं कोई ना कोई कानूनी रास्ता इसका निकालूंगा। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूं, ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है। जो पैसा ईडी के पास आया है उसको तो देश की जनता में बांटने के लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन इन सारे आरोपियों का, ये सारे मनी लॉन्डर्ड पैसे का सबसे बड़ा फायदा, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी रही है। तो अगर आप इन भ्रष्ट कंपनियों का पैसा, इन मनी लॉन्डरिंग कर रही कंपनियों का पैसा देश की जनता में बांटना चाहते हैं, जनहित में बांटना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जो 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर आईटी की रेड हुई, जिन पर सीबीआई की रेड हुई, जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हुई और जिन्होंने 2741 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपको उसको बांटने के लिए, उसको जनहित में लगाने के लिए आपको कोई कानून नहीं चाहिए। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि वो आज आकर पब्लिक में ये घोषणा करें कि 2741 करोड़ रुपए जो हमें ऐसी कंपनियों से मिले हैं जिन पर ईडी सीबीआई की रेड हुई है, उसको हम प्रचार में खर्च नहीं करेंगे। कि अगर मैं फिर से प्रधानमंत्री बनता